हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इसलिए महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि हम तंत्र से बहुत परेशान हैं, किया कराए ओपरा से बहुत परेशान है, दुश्मनों से बहुत परेशान हो गए, बार बार घर पे तंत्र हो रहा है, इससे हम कैसे बचे। बहुत से उपाय करते हैं लोग, बहुत से कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये हो जाता है, कर लेते हैं लोग। एक व्यक्ति का प्रश्न था कुछ दिनों पहले कि मैं कम से कम 5-6 बार घर पे पूजा करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी बार बार जो है तंत्र करने वाले में परेशान कर लेते हैं, ये कौन करता है। देखिए, करता कौन है, करेगा वही जो आपसे जलेगा, आपका कोई करीबी होगा। तो अब मेन बात है, चलिए वो छोड़िए, जिसने किया जो किया वो उसके अपने कर्म है, लेकिन बचे कैसे इससे, जीवन भर बचे कैसे। हमने बहुत सी वीडियो डाली है अपने चैनल पे, बहुत से उपाय हमने डाले हैं कि ये करें आप। हमने कुछ ऐसी चीजें भी बताई है कि उन चीजों को अपने पास रखें, उसके बाद आपके ऊपर कभी भी कोई तंत्र क्रिया नहीं हो पाएगी। हमने वीडियो डाली है, छोटे छोटे उपाय हैं, आप कीजिए और उसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। तो आज जो हम आपके लिए एक घर के लिए प्रयोग है, ये यदि आपके घर पे बार बार कोई तंत्र प्रयोग होता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है, तो आप उससे कैसे छुटकारा पाए आने वाले समय के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आपके घर पे कोई तंत्र ना हो पाए। तो सबसे पहला उपाय है, एक भोजपत्र पे नरसिंह कवच आपको लिखवाना है, भोजपत्र पे नरसिंह कवच को लिखवाना है और उसको अपने जो दरवाजा है आपका मेन गेट है उस पे आपको टांग देना है इसको। ये किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, किसी से लिखवा के लाए, बना के लाए और घर पे रख ले इसको पूजा पाठ करके। तो आप देखेंगे कि आपके घर पे कभी कोई, यदि कोई भी आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश करेगा, आपका परिवार के ऊपर, घर के ऊपर, किसी भी, तो वो उसके लिए वापस हो जाएगा सब कुछ। दूसरा है, किसी सिद्ध स्थान में जब आप जाते हैं, सिद्ध स्थान से, जहां कोई सिद्ध स्थान है देवी देवता का, वहां से आपको कोई विग्रह लेके आना है प्रभु जी का, उसको घर पे रखना है, उसकी पूजा पाठ करनी शुरू कर देनी, पूछ के लाए, ऐसे नहीं लाए, वहां के किसी विद्वान व्यक्ति से, विद्वान ब्राह्मण से पूछ के जो लाए वो विग्रह और उसकी अच्छे से पूजा पाठ करनी शुरू कर दे, तो आपके घर पे कभी भी तंत्र बाधा नहीं हो पाएगी। होता क्या है, अभी एक तीसरा उपाय भी बता रहा हूं मैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग घर में पूजा पाठ तो करते हैं, बहुत सी मूर्तियां लाते हैं, फोटो लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें, हमारे ऊपर वो तंत्र क्रिया होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से ले आते हैं, कोई भी मूर्ति ले आते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से ले आते हैं, उसकी पूजा शुरू कर लेते हैं, वो तो फिर अपने हिसाब से पहले तो सिद्ध होगी, प्रतिष्ठित होगी वो। ठीक है, ऐसे कहा भी जाता है कि प्राण प्रतिष्ठित, प्राण उसमें प्राण फूके जाते हैं, तो उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, जैसे मंदिरों में होती है प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती है, तो उसी तरह से घर के लिए भी आप छोटी सी एक मूर्ति लाए, लेकिन घर में जो विग्रह होते हैं वो चलित होते हैं, स्थाई नहीं होते, चलित विग्रह रखे जाते हैं, लेकिन उसकी यदि उसको आप उसमें प्रतिष्ठा करके लाए उसको, तो जागृत किया जाता है उसको, तो फिर वो जागृत अवस्था में रहते हैं, फिर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं हो पाती है, आपके ऊपर कोई भी ऊपर अवस्था कोई ऐसी जो है क्रिया नहीं कोई कर सकता है, उससे आप बचे रहते हैं। तीसरा जो उपाय है वो है किसी यज्ञ की, जब आप घर में यज्ञ करवा रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, जब यज्ञ होते हैं वहां पे, तो उसकी भस्म को आप छान के अपने पास रख ले, छान के थोड़ी भस्म को अपने पास रखे घर में,
या उसको घर में रखने से ज्यादा अच्छा पता क्या होता है? यदि आप यज्ञ की भस्म को अपने घर के चारों ओर गमला रखे ना, गमले चारों ओर, उसमें फूल लगा दे, कुछ भी लगा दे, उसमें वो राख डाल दे चारों में थोड़ी थोड़ी, तो आपकी चारों ओर से घर की सुरक्षा हो जाएगी। यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, रूम में रहते हैं, कहीं किराए पे रहते हैं मकान में, तो आप घर पे रख सकते हैं अपने घर पे, बाहर जो है उसकी पोटली में बना के भी रख सकते हैं। फिर वहां पे बोलेंगे लोग भी बाहर क्या लटका है, तो थोड़ा अंदर को लटकाए उसको, इस तरह से रखिए अपने घर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये करें आप उपाय, और कुछ और भी उपाय मैंने बताए हैं अपने चैनल पे, आप चेक करें इसमें कि उसमें लिखा है ना, तांत्रिक क्रियाओं से बचाती हैं ये चार कार्य, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, अवश्य देखें, और आपको फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपका और आपका परिवार बिल्कुल सुखी और समृद्ध रहेगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचे ताकि और लोगों का भला हो सके। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।